40 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सबसे पहली बात जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ वह है देश की रक्षा से संबंधित है। इससे पहले हमारी पड़ोसी देशों से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। इन लड़ाइयों के फलस्वरूप हमारे देश के कई भागों को उन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है, किंतु हमारी सरकार ने उन्हें हटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए हैं, केवल बातें ही बातें चलती हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में भी सदन की पूरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि विदेशों के साथ हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए जिनसे हमारे ऊपर जब कोई हमला करे तो हम नहीं कह सकें कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा मित्र है और किसका भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। किंतु आज तक ऐसा देखा गया है कि जब कभी हमारे देश पर ऐसे संकट की स्थिति आई है तो हमें अपने ही पैरों पर खड़ा रहना पड़ा है और कोई भी हमारे साथ नहीं आया है। जिन देशों को हम मित्र कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे भय लगता है। ऐसे मित्र देशों के जहाजी बेड़े भी हमने हिंद महासागर में बढ़ते हुए देखे।
भी एक देश हमारा घनिष्ठ मित्र था और उसे हम अपना भाई मानते थे, किंतु बाद में हुई घटनाओं से ऐसा अनुभव हुआ